नमस्कार साथियों एनएलएम एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन स्वागत मेरे साथियों साथियों आपको हम एक खुशखबरी खबरी दे रहे हैं विशेषकर नेट सेट से जुड़े हुए अभ्यार्थियों को कि हमारे यहाँ नेट प्रथम प्रश्न पत्र जो है कि निशुल्क पूरा ही मार्गदर्शन दिया जाएगा YouTube चैनल पर हमारे यहाँ प्लेलिस्ट का एक स्पेशल ग्रुप भी बनाया गया है जिसमें सारी वीडियो एक साथ डाली जाएंगी ताकि आपको इसके लिए ना तो धन खर्च करना पड़े और ना समय क्योंकि वास्तव में इसमें बहुत सारी सामग्री रहती है चुनिंदा सामग्री पढ़ने से ही काम बन जाता है कि पचास क्वेश्चन आते हैं मेरा दावा है कि चालीस से पैंतालीस क्वेश्चन जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसी में से आ जाएंगे आपके लिए आपको स्पेशल तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप अपने ऑप्शन

आठवीं जो यूनिट है है, वो आईटी से संबंधित पर्यावरण से संबंधित है और दसवीं से संबंधित है तो साथियों जो पांच छह सात जो यूनिट है ये तो हरिमोहन जी पढ़ाएंगे आपको अध्ययन कराएंगे यहाँ पर और बाकी जो यूनिट है वो सारे पार्ट मैं लेने जा रहा हूं तो आपको कि वास्तव में दसों यूनिट के बारे में अद्भुत गहन और सूक्ष्म जानकारी आपको दी जाएगी आपको फिर इसके लिए कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बस निवेदन इतना है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा लाभ आपको मिलेगा ये लाइव क्लास का भी आयोजन होगा तो आपको सभी प्रकार की फैसिलिटी और आपके टेस्ट सीरीज भी इसमें फर्स्ट पेपर की पूरी कराई जाएगी तो हम आज चलते हैं पहली यूनिट में शिक्षण अभिक्षमता टीचिंग एप्टीट्यूड पर यूनिट फर्स्ट और इस यूनिट फर्स्ट में भी बहुत गहन है साथियों तो मैंने गहनता के साथ इसमें पाइपलाइन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है और आपको बता देता हूं कि इसमें हमने पांच जो है वीडियो बनाने का निर्णय लिया है सामान्य परिचय शिक्षण प्रक्रिया शिक्षण के उद्देश्य शिक्षण के स्तर शिक्षण के पक्षी अचार शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक इस पर पहली वीडियो बनेगी दूसरी जो वीडियो होगी शिक्षण विधियों पर बनेगी जो पाठ भी लिखा हुआ है तीसरी जो वीडियो बनेगी अधिगम अधिगम कर्ता और यू ऑनलाइन जो है स्टडी है उस पर बनेगी कि ऑनलाइन जो आज शिक्षा की जा रही है ऑनलाइन एजुकेशन उस पर जो चौथी वीडियो बनेगी वो शिक्षण सहायक सामग्री और मूल्यांकन प्रणाली पर बनेगी और पांचवी वीडियो जो बनेगी व्यक्तिगत भिन्नताएं और अधिगम पर बनेगी इस प्रकार से हम यूनिट फर्स्ट दस में से पहली यूनिट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है पांच से सात सवाल सीधे इस यूनिट से आते हैं लेकिन आप इसको ढंग से पढ़ेंगे तो आपके पांचों सातों सवाल एकदम एक्यूरेट सही हो सकते हैं तो साथियों बस हमारे साथ जुड़ जाइए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए जितना अधिक शेयर करेंगे जितने लोग आप जुड़ेंगे तो समझो कि हम आपके साथ उतनी ही अधिक मेहनत करने जा रहे हैं बस हमारे अनुभवों का और हमारी मेहनत का आप लाभ उठाएं इसमें आपके समय की बचत होगी आप जो परीक्षाएं नेट और सेट की होने जा रही है इसमें आप उच्च रैंक के साथ सफलता हासिल करेंगे ये मेरा आपसे वादा है तो साथियों चलते हैं हम पार्ट ए में पहले सबसे पहले सामान्य परिचय क्या है सामान्य परिचय पर हम चर्चा करते हैं इसमें सबसे पहले सामान्य परिचय में देखते हैं शिक्षण अभिक्षमता में कि शिक्षा क्या है उस पर कुछ विद्वानों ने टिप्पणी की है तो शिक्षण अभिक्षमता पहली यूनिट है इसमें सबसे पहले शिक्षण ही क्या है हम इस पर चर्चा करते हैं फिर हम अभिक्षमता पर करेंगे एप्टीट्यूड पर करेंगे अब वास्तव में सबसे पहले शिक्षण क्या है शिक्षण पर जो विचार व्यक्त किए हैं वो देखते हैं विभिन्न विद्वानों के विद्वान सबसे पहले नाम आता है जॉन ड्यूवी का जॉन ड्यूवी क्या कहते हैं वो आपको थोड़ा समझने की जरूरत है क्योंकि कई बार ऐसी सरल परिभाषाएं भी आपसे पूछ ली जाती हैं कहते हैं जिस प्रकार से शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार से सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का महत्व है कि क्या कहते हैं शारीरिक विकास के लिए जिस प्रकार से किसका महत्व है भोजन का और सामाजिक विकास के लिए किसका महत्व है शिक्षा का तो यानी कि शिक्षण क्या है जिससे सामाजिक विकास होता है ऐसा जोन डेवी कहते हैं तो सामाजिक विकास के लिए शिक्षण महत्वपूर्ण है तो शिक्षा के बिना इसका काम नहीं चलता तो सामाजिक विकास के लिए शिक्षण महत्वपूर्ण है ये कथन किसका है ऐसा आपसे पूछा जा सकता है आप इसको ध्यान में रखेंगे अब अगला है लोक जो लोक जो लोक का आपको नाम भी ध्यान है कि बेसिकली ऑन एजुकेशन एक बुक भी लिखी थी बहुत बड़े उदारवादी विचारक हैं इंग्लैंड के विचारक हैं इन्हें गौरवपूर्ण क्रांति की संतान भी कहा जाता है तो इन्होंने अद्भुत रचनाएं लिखी थी सामाजिक अनुबंध का, का सिद्धांत भी दिया था और कहा था कि वास्तव में राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के माध्यम से हुई है इन्होंने तीन प्राकृतिक अधिकार भी प्रदान किए थे एल के कहा था सभी व्यक्ति को तीन अधिकार प्राप्त है लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी इन्होंने कहा जिस प्रकार से जो पौधे का विकास है कृषि द्वारा होता है वैसे मनुष्य के विकास शिक्षा द्वारा होता है पौधे का विकास कैसे होता है कृषि द्वारा और मनुष्य का विकास शिक्षा द्वारा एक बात और साथियों में लोक के बारे में बताना चाहूंगा ये कहते हैं बच्चा एक खाली स्लेट होता है ये भी कहा है लोक ने क्या कहा है जो बच्चा होता है एक खाली स्लेट होता है तबुला होता है खाली स्लेट जिसमें कुछ भी शिक्षा द्वारा लिखा जा सकता है अब ऐसा पूछे किसने कहा कि वास्तव में बच्चा एक खाली स्लेट होता है उस पर कुछ भी शिक्षा द्वारा लिखा जा सकता है ये भी लोक का है तो ऐसी छोटी छोटी अद्भुत बातें आपको सारी जानकारी रहनी चाहिए तभी आपका कहीं ना कहीं काम चलेगा आगे चलते हैं साथियों मेरे अगला चीज देखते हैं प्लेटो प्लेटो क्या कहता है प्लेटो कहता है प्लेटो भी शिक्षा पर बहुत अधिक महत्व देता है अपनी पुस्तक में प्लेटो शिक्षा को अपनी पुस्तक रिपब्लिक में बहुत अधिक महत्व देता है वह शिक्षा को सदगुण का आधार कहते हैं शिक्षा से क्या आते हैं सदगुण और सदगुण से क्या होता है कहते हैं न्याय की स्थापना होती है तो कुल मिलाकर वो कहना चाहते हैं बिना शिक्षा के समाज में न्याय भी स्थापित नहीं हो सकता ऐसा प्लेटो मोदे कहते हैं और वो लंबी पचास वर्ष तक लंबी शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं तो आपसे पूछे तो किसने पचास वर्ष की आयु तक की लंबी शिक्षा प्रणाली की बात की तो वो प्लेटो महोदय ने की थी अपनी पुस्तक रिपब्लिक में तो ये भी आपको ध्यान में रखना है छोटी छोटी बातों को आपको पता रहना चाहिए फिर रिपब्लिक की प्रशंसा किसने की थी रूसो ने अपनी पुस्तक इमाइल में की थी रूसो ने अपनी पुस्तक इमाइल में रिपब्लिक की प्रशंसा भी की है इमाइल में रिपब्लिक जो प्लेटो की पुस्तक थी रिपब्लिक उसकी प्रशंसा भी की तो रिपब्लिक की प्रशंसा भी की है यह भी आपको साथियों थोड़ा सा ध्यान रखना है उन्होंने कहा था रूसों ने कि रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया श्रेष्ठ ग्रंथ है तो आपसे पूछेगा ऐसा किसने कहा तो रूसो ने कहा था कि रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया श्रेष्ठ ग्रंथ है आगे साथियों ध्यान रखना है छोटी छोटी बातें और अब मैं रूसो के बारे में बता देता हूं कि रूसो भी शिक्षा पर बहुत बल देते हैं रूसो शिक्षा पर विशेष बल देते हैं और कहते हैं प्रकृति ही एकमात्र शिक्षक है कहते हैं कि प्रकृति ही एकमात्र शिक्षक है धीरे धीरे पढ़ना है साथियों में जबरदस्ती नहीं करना है एकमात्र शिक्षक है फिर इन्होंने कहा था कि जो एक बच्चा रहता है वो अपनी संवेदनाओं से बहुत कुछ सीखता है उसके अंदर क्षमता रहती अंतर्निहित क्षमता से सीखता है ये लोग की तरह तबुला वायरस नहीं मानते हैं खाली स्लेट नहीं मानते हैं तो अधिगम की प्रक्रिया ये कहते हैं कि बच्चे के अंदर अंतरनी क्षमताएं है रहती हैं, से अधिगम होता है तो ये अधिगम का मतलब सीखने से है तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है आगे रियांश मोदे हैं रियांश मोदे कहते हैं दूसरे को शिक्षा जो है सिखाने दिशा निर्देश देने निर्देशित करने की प्रक्रिया शिक्षण है रियांश मोदे क्या कहते हैं रियांश मोदय कहते हैं दूसरे को सिखाने दिशा निर्देश देने वह परिवर्तन की प्रक्रिया शिक्षण है ये भी परिभाषा आपको ध्यान रहेगी तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा फिर गैज मोदे क्या कहते हैं गैज मोदे कहते हैं शिक्षण जो है एक पारंपरिक प्रभाव है जिसके माध्यम से दूसरे को अपने अनुरूप परिवर्तित किया जाता है दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को अपेक्षित परिवर्तन लाया जाता है तो गैज मोदे क्या कहते हैं कि शिक्षण के माध्यम से दूसरे व्यक्तियों में अपेक्षित परिवर्तन लाया ये आपको ध्यान में रखना है ये गैज मोदे ने कहा था फिर एक बीओ स्मिथ थे बीओ स्मिथ कहते हैं अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली यानी कि सीखने को प्रेरित करने वाली क्रिया शिक्षण है तो देखिए बीओ स्मिथ क्या कहते हैं अधिगम अधिगम का मतलब सीखना करने वाली क्रिया शिक्षण ये छोट छोटी छोटी परिभाषाएं अगर आपको ध्यान में रहेंगी साथियों तो आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम हो जाएगी फिर प्रोभेल तो कहते हैं जो प्रोबेल थे वो कहते हैं खेल विधि द्वारा सिखाना चाहिए शिक्षण जो है खेल विधि के समान होना चाहिए प्रोभेल कहते हैं शिक्षण खेल विधि के माध्यम से होना चाहिए खेल विधि को गेम जो मेथड है उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो ये खेल विधि के रूप में सिखाते हैं जो तो क्रिल पैट्रिक थे वो कहते करके सिखाने की बात करते हैं प्रोजेक्ट बनाने की बात करते हैं कि किसी भी चीज को भाई सिखाना है तो उसको अभ्यास करने को दो व्यवहार में अपनाने को दो तो क्रिल पैट्रिक बेसिकली प्रोजेक्ट मेथड अपनाते हैं और करके सीखने पर बल देते हैं अब मैंने शिक्षण बता दिया आपको अब मैं आपको बेसिकली अभिक्षमता भी बताना चाह रहा हूं अभिक्षमता का मतलब है दक्षता कि किसी भी कार्य को निपुणता के साथ करना निपुणता कब आती है ये प्रशिक्षण से आती है तो शिक्षण अभिक्षमता का मतलब है कि इस तरीके से किसी को सिखाना ताकि उसके अंदर दक्षता आ सके वो बेसिकली कौशल का ज्ञान वो प्राप्त कर सके उसके अनुसार उसके अंदर अनुशासन जैसे लक्षण आ सके हसबुख बन सके क्योंकि पढ़ाना आसान नहीं होता साथियों कई लोग रोते रोते पढ़ाते हैं मैं तो काम कर रहा हूं ऐसे काम नहीं चलता है वास्तव में अभी क्षमता जब तक नहीं है शिक्षण अभिक्षमता यानी कि पढ़ाने का कौशल जिसको कहते हैं तो वो कौशल जो है वही शिक्षण अभी क्षमता है कि वास्तव में एक टीचर जो पढ़ाता है आसानी से समझ आ जाता है अभी मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि साथियों शेयर कर लो हमेशा हंसते हुए पढ़ना चाहिए टीचर वही होता है जो हसमुख होता है अगर आप भी टीचर बनना चाहते तो रोनी शकल लेके नहीं आना चाहिए रोनी शकल होगी तो फिर बच्चा क्या समझेगा आप स्वयं ही रो रहे हैं तो ये कहां से आता है ये अभी क्षमता जो है ये आती है बेसिकली यही विकसित होती है शिक्षण से शिक्षण अभिक्षमता में यही है शिक्षा तो दी जाती है साथ में उसके अंदर कौशल निपुणता और साथ में अनेक गुणों का जो संचार होता है वो शिक्षण अभिक्षमता होता है तो शिक्षण तो आपने देख लिया शिक्षण तो सीखने वाली प्रक्रिया है शिक्षण का मतलब है सीखना अध्यापन और अभिक्षमता क्या है तो अभिक्षमता जो है साथियों एप्टीट्यूड है ये है कौशल निपुणता ये कौशल निपुणता हर किसी के अंदर नहीं आती है ये प्रशिक्षण द्वारा ही आती है जैसे आप बार बार पढ़ाएंगे तो निपुणता जैसे मेरे साथ 25 वर्षों का अनुभव चुड़ा है तो निपुणता ये कौशल आया अभिक्षमता को कहते हैं शिक्षण कई टीचर जो छोटा सा पॉइंट है उसको घंटों तक समझाते हैं बच्चों तक समझ नहीं पाता ये जो संचार कम्युनिकेशन जो स्टूडेंट के साथ है तुरंत बन जाए ये अभिक्षमता ये अभिक्षमता जो है वही टॉपिक का है तो शिक्षण अभिक्षमता क्या है कि वास्तव में सिखाना इस तरीके से ताकि सहजता के साथ बच्चे तक ज्ञान पहुंच जाए वही है शिक्षण अभिक्षमता तो वास्तव में अभिक्षमता से में क्या क्या आ जाएगा जब आपके अंदर अभिक्षमता आ जाएगी आप अनुशासित हो जाएंगे हसमुख हो जाएंगे सत्यनिष्ठ हो जाएंगे निष्पक्ष हो जाएंगे और आपके अंदर हर टीचर का जो गुण है पूरा आ जाएगा तभी तो वास्तव में बनेगा विद्यार्थी का गुण टीचर का गुण पूरा आने पर ही शिक्षण अभिक्षमता कंप्लीट होती है तो साथियों तो आपके अंदर भी पूरे गुण विद्यार्थी के आ जाने चाहिए साथ में भविष्य में शिक्षक बनने वाले हैं तो शिक्षक के गुण आने चाहिए तो समझो शिक्षण कंप्लीट हो रही है अब आगे देखते हैं साथियों आगे है प्रक्रिया क्या है शिक्षण की प्रक्रिया अब इस प्रक्रिया पर भी चर्चा करेंगे तो आराम से करेंगे साथियों थोड़ा जल्दबाजी नहीं करना है देखो साथियों जो समझना है तो क्वेश्चन सरल आता है या टिपिकल आता है सब ढाई नंबर का इतने आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर कर दें और सभी से कहें कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें शेयर कर दें मैं ये आपको वादा फिर कर चुका हूं कि यूजीसी है आपको पूरा अवेलेबल कराया जाएगा आपके 40-45 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले हैं पिछले वर्षों में भी नहीं गए इस वर्ष भी नहीं जाएंगे बस आप जुड़ जाइए और इसके लिए आपको मेहनत करने की ज्यादा जरूरत नहीं है आप इन वीडियो को देखते रहे और जहां तक नोट्स भी आपको अवेलेबल कराएंगे लेकिन जल्दबाजी में नहीं आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं वो भी आपको जाएंगे तो क्या इन्होंने किताब थी, इन्होंने किताब था द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन देखो मैं किताब भी लिख देता हूं इनकी बुक है प्रोसेस ऑफ एजुकेशन अब आपसे पूछेगा ये बुक किसकी है तो बुनर महोदय की है इन्होंने कितने स्तर बताए बुनर महोदय ने इन्होंने बेसिकली कहा शिक्षण एक चरणबद्ध प्रक्रिया है जिसमें सात चरणों की चर्चा की तो इन्होंने क्या बताया शिक्षण एक चरणबद्ध प्रक्रिया है जिसमें निम्न चरण है निम्न वैसे सात चरण है तो आप डायरेक्ट सात चरण लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो अब वो सात चरण कौन कौन से है पहला तो पहले तो योजना बनाना पहला क्या है योजना बनाना पहला चरण ये हो गया भाई योजना बनाई पहले तो किसके लिए आप बेसिकली ध्यान रखना है प्रक्रिया में भाई आप पढ़ना क्या चाह रहे हैं वो योजना बनाना भाई आप नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं तो योजना तो बनानी पड़ेगी फिर विद्यार्थियों के विशेष स्तर की जानकारी प्राप्त करना आप जैसे मुझे ये भी मालूम है कि किस लेवल से पढ़ाना है आपने नेट का प्रथम प्रश्न पत्र ज्ञान भी है कि नहीं कि आपको बिल्कुल ही नहीं पता तो नहीं पता तो मुझे उसी लेवल से चलना है तो विद्यार्थियों के विषय स्तर की जानकारी कि क्या क्या सिलेबस में है और लेवल क्या है विद्यार्थियों के विषय स्तर की जानकारी उनका ज्ञान का लेवल क्या है और क्या चाहिए भाई बिना जानकारी आपके तो ये काम ही नहीं चलेगा आप चाहते कि आप सेट पढ़ रहे हैं मैं कुछ और पढ़ाने लग जाऊं तो आप पढ़ेंगे नहीं फिर क्या है तीसरा अध्यापन सामग्री को संगठित व एकत्रित करना तो जो सामग्री है उसको संगठित एकत्रित करना जैसे मैंने पूरा यूनिट फर्स्ट को जितनी भी यूनिट है सात यूनिट मैं पढ़ाऊंगा तीन यूनिट हरिमोहन जी पढ़ाएंगे तो मैंने सात यूनिट की सामग्री पूरी कलेक्ट कर ली और आपको बता दिया पहली यूनिट में पांच वीडियो बनेगी तो अध्यापन सामग्री को एकत्रीकरण करना एकत्रीकरण करना यह भी बेसिकली ध्यान में रखना है फिर साथियों जो है अगला चरण क्या है भाई प्रस्तुत कैसे करना जैसे मैं आप कक्षा के में प्रस्तुत कर रहा हूं अध्यापन सामग्री को कक्षा में प्रस्तुत करना चौथा है अध्यापन सामग्री को कक्षा में प्रस्तुत करना आगे देखें साथियों अब देखिए पांचवा विश्लेषण वलियन करना अब सही विश्लेषण वलियन करना छठा जो है मूल्यांकन करना मूल्यांकन पर तो हम स्पेशली इसमें वीडियो बनाएंगे मूल्यांकन तो वैसे भी एवोल्यूशन हमारे सिलेबस में है मूल्यांकन के प्रकार भी बताएंगे मूल्यांकन का उद्देश्य भी बताएंगे मूल्यांकन की तकनीक भी चर्चा करेंगे तो हम सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे तो मूल्यांकन भी एक है फिर पुनरावर्ति यानी कि पुनः जो है एक बार देखना तो ये शिक्षण के जो मैंने आपको चरण बताए प्रक्रिया के सात चरण तो ये सातों चरण आपको ध्यान रखने हैं पहला क्या है योजना बनाना फिर विद्यार्थियों के विषय स्तर का ज्ञान पूरा बताना फिर अपने अध्यापन की सामग्री को संकृत करना चौथा है अध्यापन सामग्री को कक्षा में प्रस्तुत करना पांचवा है विश्लेषण करना अपनी अध्यापन सामग्री का संलयन करना जोड़ना फिर मूल्यांकन करना कि विद्यार्थियों को क्या समझ आया क्या नहीं आया फिर पुनरावृत्ति फिर उसको दोहराने की कोशिश करना जैसे मैं भी आपके सामने दोहरा रहा हूँ तो इस तरीके से शिक्षण प्रक्रिया के ये सात चरण है ये आपको ध्यान रखना है अब आगे चलते हैं मेरे दोस्तों अब हम देखेंगे कि शिक्षण की प्रकृति कैसी है सकारात्मक होती है इससे विद्यार्थियों को तीन प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है शिक्षण की प्रक्रिया क्या है सकारात्मक है शिक्षण नकारात्मक नहीं है कुछ सिखाने की कोशिश करता है शिक्षण की प्रक्रिया जैसे आपसे पूछे सकारात्मक है तो नकारात्मक है प्रक्रिया सकारात्मक है क्योंकि कुछ देना चाहती है समाज में सकारात्मक सोच रहती है मानवता को जोड़ना चाहती है व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ना चाहती है किसी को हिंसक गतिविधि में भी लिप्त नहीं करना चाहती विघटन नहीं करना चाहती समाज का ना व्यक्ति का उत्थान करना चाहती तो सकारात्मक है और इसमें विद्यार्थी को तीन प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है विद्यार्थी को तीन प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है और ये तीन प्रकार का ज्ञान भी आप सुन लीजिए तो इस तीन प्रकार के ज्ञान में तो आपको पूरा संज्ञानात्मक यानी कि तथ्यात्मक ये होता है तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त होती है भावनात्मक तो मानसिक वृद्धि होती है भावनात्मक मतलब दिमागी कसरत आपका पूरा दिमाग जो है वो क्रियात्मक इसमें आपका हस्तकोशल भी काफी मजबूत हो जाता है लिखते लिखते तो ये तीन प्रकार से आपके पक्षों को तीनों पक्षों को कहीं ना कहीं मजबूत करती है शिक्षण तो की प्रक्रिया सो शिक्षण की प्रक्रिया उपचारात्मक भी है विकासात्मक भी है भाषाई भी है ये भी ध्यान रखना कि ये प्रक्रिया उपचारात्मक भी है समस्याओं का समाधान भी करती है वैसे भी प्लेटो ने कहा था शिक्षा मानसिक रोग का मानसिक उपचार है ये किसने कहा था प्लेटो ने शिक्षा मानसिक रोग का मानसिक उपचार है आपकी जो दुविधाएं हैं, बेमानी भ्रष्टाचार ये सब दूर कर देती है विकासात्मक है आपके अंदर नए तथ्यों का संग्रह होता है आप नई सूझबूझ नई दृष्टि विकसित होती है फिर भाषा भाषा भाषाई प्रक्रिया क्यों है आपकी भाषा मृद्यु बन जाती है आप भाषा सरल और मृद्यु भाषी हो जाते हैं जो शिक्षित व्यक्ति होता है वो रिस्पेक्ट से ही बात करता है ये सारे गुण शिक्षा से ही मेरे दोस्तों आते हैं शिक्षा ही है कि वास्तव में जो इंसान को सच में इंसान बना देती है तो साथियों शिक्षा ही है जो मृदु बनाती है मीठा बनाती है, रेस्पेक्ट करना है, करना सिखाती तो ये तीन लक्षण भी इसी पर है तो शिक्षण की प्रक्रिया तार्किकता पर भी आधारित है शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको त्रिमुखी प्रक्रिया कहते हैं कि बेसिकली इसमें क्या क्या शामिल होता है कि शिक्षा छात्र और पाठ्यक्रम तो देखा जाए शिक्षण में तीन चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं शिक्षा शिक्षक छात्र और पाठ्यक्रम ये तीन चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये आपको ध्यान रखना है तो ये तीनों चीजें शिक्षण में इंपॉर्टेंट है शिक्षक भी होता है छात्र भी होता है पाठ्यक्रम भी होता है तो तीन आधारभूत तथ्य हैं इसके तो तीनों आपको पता रहने चाहिए अब हम आगे चलते हैं मेरे दोस्तों तो वास्तव में आगे देखते हैं आगे में क्या है शिक्षण के उद्देश्य क्या है तो शिक्षण के उद्देश्यों पर भी मैं चर्चा कर देता हूं अब ये ऐसे क्वेश्चन बहुत सरल आते हैं और स्वाभाविक क्वेश्चन होते हैं लेकिन साथियों हमारा जो ज्ञान का स्तर होता है ना सोचने का जो स्तर रहता है इसमें क्या है ज्ञानात्मक की जरूरत नहीं या भावात्मक ज्यादा नॉलेज ज्यादा होनी चाहिए तो यहाँ पर दिमाग से सोचने वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और वास्तव में कहते भी हैं ज्ञानात्मक जो जानकारी होती है वो बाल्यावस्था अवस्थक तक ज्यादा उसको बल दिया जाता है और किशोरावस्था आते आते भावनात्मक जो ज्ञान है उसमें वृद्धि की जाती है तो अब आपका लेवल जो है पीजी प्लस वाला है आपको कैसे ज्ञान की जरूरत है भावनात्मक ज्ञान की जरूरत है यानी कि मस्तिष्क में जो सोचने को मजबूर करे उस ज्ञान की जरूरत है और इसलिए नेट सेट में जो क्वेश्चन भी आते हैं वो भावनात्मक आधार पर ही आते हैं स्तर पर आते हैं जिसमें आदमी को सोचने वाले ज्यादा रहते हैं तो इनको हल करने के लिए भी थोड़ा सा दिमाग तो चाहिए शिक्षण के उद्देश्य पहला सार्वभौमिक उद्देश्य सार्वभौमिक उद्देश्य क्या है पूरी मानव जाति का विकास करना सभी जीवों का विकास करना प्रकृति का विकास करना ये सार्वभौमिक उद्देश्य है शिक्षा के फिर विशिष्ट उद्देश्य क्या है विशिष्ट उद्देश्य जैसे आपको शिक्षक बनाना है या आपको राजनीति विज्ञान का ज्ञान देना है तो विशिष्ट उद्देश्य हो गया फिर सामाजिक उद्देश्य क्या है राष्ट्र निर्माण हो गया समाज का विकास हो गया तो ये है आप सबका सम्मान करें सामाजिक उद्देश्य हो गया व्यक्तिक उद्देश्य क्या हो गया आप जो भी शिक्षक वगैरह जो भी टारगेट आपके अंदर है वो पूरा करना ये भी बेसिकली है आपका जो लक्ष्य है इस समय आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो व्यक्ति उद्देश्य भी पूरा होगा तो वास्तव में शिक्षण के चारों उद्देश्य हैं सार्वभौमिक उद्देश्य जो पूरी मानव जाति से पूरे संसार से संबंधित है विशिष्ट उद्देश्य का मतलब है आपको एक शाखा का पर्टिकुलर ज्ञान देना सामाजिक उद्देश्य पूरे समाज को जोड़ना राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों को भाग लेना व्यक्तिक उद्देश्य है कि आपके उद्देश्य को पूरा करना तो शिक्षण के उद्देश्य जो है तो बेसिकली तो इस सारे प्रकार के देखा जाए तो शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थी का संज्ञात्मक भावनात्मक और क्रियात्मक विकास करना है अगर मैं मूल कह दूं तो आपको ये विद्यार्थी का सभी प्रकार का सर्वांगीण विकास करना मेन उद्देश्य रहता है इसका शिक्षण का संज्ञानात्मक भी भावनात्मक भी और क्रियात्मक भी ये भी आप ध्यान रखना दोबारा से कि वास्तव में उसके तथ्यों की जानकारी भी उसके मस्तिष्क को भी सोचने के लिए मजबूत करना और उसके अंदर हस्त कौशल जैसे लक्षण भी लाना ताकि वो खुद कार्य कर सके तो प्रैक्टिकल आप लाइफ को जी सके मेनली शिक्षण का उद्देश्य कहते हैं जो शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो सिंपल है वो कभी भूखा नहीं मरता अंबेडकर जी का कथन ध्यान रखना कहा था उन्होंने कि शिक्षा ऐसी शेरनी का दूध है दूध है जो पीता है वही दहाड़ता है इसलिए सबको शिक्षा जरूर दिलानी चाहिए तो शिक्षा तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है साथियों ये सभी प्रकार के सर्वांगीण विकास पर बल देती है शिक्षा का उद्देश्य यही है कि व्यक्ति को सभी प्रकार का विकास करना ताकि वो सामाजिक प्राणी बन सके पूरे मानव जाति को उत्थान कर सके अपने परिवार का भी उत्थान कर सके गांव का भी शहर का भी और वास्तव में हर प्राणी के प्रति कहीं ना कहीं कुछ योगदान दे सके तो ये उद्देश्य हो गए अब आगे देखते हैं साथियों कि बेसिकली है कि ब्लूम ब्लूमोदे क्या बताते हैं थ्री एच के रूप में इसके उद्देश्य बताते हैं शिक्षण के एक थिंकर थे ब्लूम वो शिक्षण के उद्देश्य थ्री एच के रूप में बताते हैं तो थ्री एच में उन्होंने क्या कह लिया हेड हार्ट और हैंड अब हेड का मतलब है कि संज्ञात्मक संज्ञानात्मक नॉलेज यानी कि आपकी स्मृति स्तर को बढ़ा इसका मतलब है आपकी स्मृति स्तर का तथ्यात्मक जानकारी में वृद्धि कर रहा दूसरा भावनात्मक है हट का मतलब है भावनात्मक भावनात्मक का मतलब है आप आकलन ग्रहण ऐसी प्रक्रिया कहते हैं अनुभव वाला जो वो अनुभव जो कहते हैं कहते हैं मैंने कि मेरे पास अनुभव है तो मैं जो बताता हूं तो काम तो ये एक्सपीरियंस वाला है कहीं ना कहीं भावनाएं जिससे आप आकलन कर पाते हैं किसी चीज का अनुभव कर पाते हैं तो आकलन ऐसे नहीं होता अंतर कर पाते हैं दो की तुलना कर पाते हैं ये तुलना आकलन ये जो है ये भावनात्मक ज्ञान है हैंड हैंड का मतलब है क्रियात्मक वाला जो है इससे आपका कौशल बढ़ जाता है लिखने की कला सुधर जाती है स्पष्ट अभ्यक्ति आ जाती है सरलता आ जाती है तो इसमें कौशल स्पष्टता जैसे गुणों का संचार होता है सरलता आप कठिन से कठिन चीज को सरल वे में बता देते हैं ये शिक्षण का उद्देश्य है कि आप जब शिक्षा हासिल कर लेते हैं तो इस प्रकार का ज्ञान आपके अंदर तीनों प्रकार का ज्ञान आ जाता है तो ब्लूम को थ्री एच आपको ध्यान रखना चाहिए अगला है गेगने और ब्रिग्स का जो वर्गीकरण है वो क्या शिक्षण के उद्देश्य बताते हैं गेगने और ब्रिग्स गेगने और ब्रिग्स गेगने और ब्रिक्स बेसिकली पांच बताते हैं इसके शिक्षण के उद्देश्य पहला ज्ञानात्मक रणनीतियां बनती हैं इससे क्या बनती हैं ज्ञानात्मक रणनीतियां वो कहते हैं नॉलेजात्मक रणनीतियां बनती हैं शिक्षण दूसरा कहते हैं बौद्धिक कौशल का विकास होता है आदमी के सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है भाई बौद्धिक कौशल तीसरा कहते हैं मनोदृष्टि का विकास होता है आपके मनोविज्ञान का विकास हो जाता है चौथा तो आपको मौखिक सूचनाएं मिल जाती हैं पांचवा आपके संचालन तंत्र यानी कि शारीरिक दक्षता विकसित हो जाती है कहाँ पर कैसा व्यवहार करना है ये तो शारीरिक दक्षता भाई कहाँ पर हाथ लाना है कहाँ पर नहीं लाना किसके सामने लाना है किस वे में बात करना है तो वो भी आपको आ जाता है कि टीचर हैं तो थोड़े हाथ हिला सकते हैं अगर आर्मी में है तो यस सर नो सर वो वाला तो ये गेगने और ब्रिक्स का वर्गीकरण भी आपको ध्यान रखना है अब हम आते हैं शिक्षण के स्तर तो लेवल क्या है शिक्षण के तो वो भी हम देखते हैं शिक्षण के स्तर आपको बहुत ही स्लो से याद करने हैं क्योंकि साथियों यहां से क्वेश्चन आता ही है ये ध्यान रख लेना कि जो मैं आपको बता रहा हूं वहां से क्वेश्चन आता ही है ऐसे क्वेश्चनों को अगर आप गलत कर देंगे तो फिर आपको फिर दिक्कत आ सकती है आप जैसे कई बार तो जे एफ में भी दिक्कत आती है कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं बी ही क्वेश्चन ठीक नहीं कर पाते तो उनके लिए मेरा निवेदन है कि इन चीजों को ध्यान पूर्वक सुने ध्यान पूर्वक करें तो अब शिक्षण के स्तर देखते हैं मेरे दोस्तों शिक्षण के स्तर अब मैं शिक्षण के स्तर को पहले एक टेबल के माध्यम से समझाऊंगा तो आप धीरे से समझने की कोशिश करना पहला जो है कौन कौन है तीन स्तर बताते हैं स्तर में तीन लेवल पर है पहला तो स्मृति स्तर तो के मैंने बताया था बाल्यवस्था में हमें इसी पर बल देना चाहिए में तो स्मृति स्तर पर ध्यान देना चाहिए फिर है बोध स्तर ताकि समझ का आपका विश्लेषण करने की क्षमता बढ़ सके दूसरा है बोध स्तर तो किशोरावस्था में इसका फिर है चिंतन स्तर ये उत्तर किशोरावस्था या प्रौढ़वस्था में उत्तर किशोरा में या उत्तर किशोर में या प्रौढ़वस्था में इस प्रकार का ज्ञान आना चाहिए अब इससे जुड़े हुए मॉडल कौन कौन से हैं ये तो समर्थ स्तर है तो ये तो बेसिकली मेमोरी आपके ज्ञान को तथ्यों की जानकारी को बढ़ाने पर बल देगा इसके बारे में मॉडल जो दिया था वो हर्बर्ट शिक्षण मॉडल उसको नाम जानते हैं किस नाम से जानते हैं हर्बर्ट शिक्षण मॉडल स्मृति स्तर पर जो मॉडल दिया वो हर्बर्ट ने दिया था मोरिसन शिक्षण मॉडल फेमस है ये मॉडल अब आपसे पूछ सकता है कि बोध स्तर पर बल कौन सा मॉडल देता है या स्मृति पर कौन सा बल देता है चिंतन पर इसका है हंट शिक्षण मॉडल हंट शिक्षण मॉडल ये किस पर बल देता है अब हम इन तीनों मॉडलों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे तो साथियों इसमें थोड़ा सा गहनता के साथ तो पढ़ना होगा ना जब हम नेट वर्क की तैयारी कर रहे हैं सेट की तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर जैसा पद हासिल करना चाहते हैं समाज में उच्च प्रतिष्ठा हासिल करना चाहते हैं तो ज्ञान भी उच्च लेवल का होना चाहिए आपका तो ज्ञान तभी उच्च लेवल का होगा जब आप इनको गहनता के साथ पढ़ेंगे तो आप इनको गहनता के साथ ही देखना है तो साथियों वास्तव में थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी ही पड़ती है ठीक है ना तो वास्तव में सीधे चीज तो कुछ नहीं मिलता तो आपको थोड़ा बास तो बनना ही पड़ेगा पहले हम स्मृति स्तर हर्बर्ट शिक्षण मॉडल देखते हैं तो मैं धीरे से आपको समझाने की कोशिश करता हूं स्मृति स्तर यानी कि शिक्षण का जो स्मृति स्तर रहता है हर्बर्ट शिक्षण मॉडल है उस पर चर्चा करते हैं अब ये तो मैं लाइन बताने की इसमें तथ्यात्मक ज्ञान में वृद्धि की जाती है रटने में ज्यादा उपयोगी होता है याद कैसे करें इस पर लेकिन तार्किकता नहीं रहती इसमें तर्क व नहीं रहता प्रश्नोत्तर विधि में उपयोगी नहीं है यह भी ध्यान रखना अब इसके गुण और दोष तो मैं बता देता हूं यहीं पर पहले फिर मैं इसके स्तर बताऊंगा इसके गुण क्या है इसके अंदर गुण तो यह है याद कर सकते हैं तथ्यात्मक या तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त होना जानकारी दोष क्या है दोष यह है कि भाई समझ स्तर तो होता नहीं है तर्क नहीं और प्रश्नोत्तर विधि में उपयोगी नहीं अब इसके स्तर इस कितने हैं स्तर देखा जाए तो स्मृति स्तर जो शिक्षण मॉडल है हर्बर्ट शिक्षण मॉडल हर्बर्ट शिक्षण मॉडल के चार चरण है इसके कितने चरण है चार चरण अब मैं चार चरण आपको समझाने की कोशिश करता हूं पहला तो क्या उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य तो वही है तथ्यों का ज्ञान अर्जित करना तथ्यों का जानकारी इससे तथ्यों का ज्ञान है बेसिकली इसका उद्देश्य ही यही है कि वास्तव में छोटी कक्षाओं में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करना हमारा राष्ट्रपति कौन है राष्ट्रपति क्या करता है तो तथ्य आत्मक ही है तो बेसिकली तथ्यात्मक जानकारी दूसरा इसकी संरचना क्या होती है संरचना देखें साथियों संरचना में आपको ध्यान में रखना है संरचना के भी चार भाग हैं तो इसको आप देख सकते हैं पहला है योजना प्रस्तुतिकरण भाई योजना क्या है भाई आप कौन सा ज्ञान दे रहे हैं उसका योजना प्रस्तुतिकरण उसका प्रस्तुतिकरण बहुत योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए फिर तुलना करके बताना चाहिए अगर तुलना नहीं करेंगे तो आपका काम नहीं चलेगा आपको अकबर की तुलना अशोक से अशोक की तुलना अकबर से करनी होगी तभी बच्चा समझेगा तो बीच में तुलनात्मक भी रहना चाहिए फिर सामान्यीकरण भी करना होगा भाई कुछ सामान्य बातें हैं तो वो भी आपको बतानी देखो ये घर जैसे है ये ऐसे है ये भी आपको जरूरी है फिर समस्याओं का ज्ञान भी समस्याओं का निदान भी करना होगा समस्याओं का निदान कोई समस्या आती है याद करने में कहेगा बच्चा टिपिकल है तो आप उसको सरल टेक्निक बताएंगे कोडवर्ड बताएंगे भाई ऐसे डिकोड में याद कर लो ऐसे याद कर लो तो आपका वो भी काम है तीसरा जो है इसमें है सामाजिक प्रणाली तीसरा जो चरण है वो है सामाजिक प्रणाली अब सामाजिक प्रणाली का उद्देश्य क्या है इसका शिक्षक का विशेष महत्व है छात्र का गुण है इसमें महत्व किसका ज्यादा होता है शिक्षक का महत्व ज्यादा होता है छात्र की भागीदारी नहीं रहती तो ज्ञान का ही ज्यादा महत्व है शिक्षक का ही ज्यादा महत्व है तो जैसे ये भी तथ्यात्मक जानकारी है तो यहाँ पर मेरा ही महत्व है आपका महत्व कम है आप सुन लीजिए बस आप ज्यादा कुतर्क नहीं कर सकते जो हरबट ने दिया वही मैं बता रहा हूं ठीक है ना तो यहाँ वही चीज है तो सामाजिक प्रणाली में देखें तो यहाँ शिक्षक का ज्यादा महत्व है तो आपसे पूछेगा हरबर्ट शिक्षण मॉडल में शिक्षक को ज्यादा महत्व दिया गया या छात्र को देखो तो क्रियात्मक में छात्र की भागीदारी होती है यह बात ध्यान रख लेना जहाँ स्मृति स्तर रहता है वहां पर वास्तव में शिक्षक की महत्वपूर्ण भागीदारी होती है अगर आगे है मूल्यांकन प्रणाली मूल्यांकन प्रणाली में देखें वस्तु परक में तो बहुत है उपयोगी है मूल्यांकन कैसा है इसमें वस्तु परक तो आसान है वस्तु परक तो ओके लेकिन विषय परक नहीं अगर लिखने विखने का आ जाए भाई इसका मूल्यांकन करो ये करो तो मूल्यांकन तब तो होता नहीं आलोचनात्मक टिप्पणी करो तो तब बड़ा मुश्किल होता है सिंपल चार ऑप्शन देके पूछेगा वस्तु परक में ऑब्जेक्टिव में तो बेटर है ये उपयोगी नहीं है इसमें तो अब आपसे पूछेगा हरबट शिक्षण मॉडल उपयोगी है वस्तु परक के लिए या विषय परक के लिए दोनों के लिए तो क्या मारेंगे वस्तु परक के लिए तो इसमें कौन प्रभावी है शिक्षक प्रभावी है चार चरण कौन से हैं उद्देश्य संरचना संरचना में क्या आता है योजना प्रस्तुतिकरण तुलना सामान्यकरण समस्याओं का निदान सामाजिक प्रणाली में क्या ध्यान रखना है शिक्षक का महत्व ज्यादा है छात्रों का महत्व कम है मूल्यांकन में क्या ध्यान रखना है वस्तु पूरक के लिए उपयोगी है लेकिन विषय परक के लिए नहीं है अब हम सेकंड मॉडल देखते हैं मेरे साथियों सेकंड मॉडल मैंने जो बताया था आपको कि बोध या समाज स्तर जो मोरिसन का मॉडल है तो अब आइए सेकेंड मॉडल हम देखते हैं दूसरा बोध या समझ स्तर वाला मॉडल ये किशोरावस्था में इसी मॉडल पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है इसी मॉडल को अपनाने की कोशिश की जाती है इसे कहते भी हैं मोरिसन शिक्षण मॉडल मोरिसन शिक्षण मॉडल तो साथियों देखो आप किशोरावस्था में जैसे इलेवंथ के बाद, बाद इस चीज पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है तो वैसे नाइन्थ से शुरू कर देते हैं लेकिन इलेवंथ के बाद तो ज्यादा यूनिवर्सिटी के स्तर पर तो पूर्णतः इसी पर ध्यान दिया जाता है तो इसमें विद्यार्थियों की सूझबूझ समझने की क्षमता का विकास करना होता है इसका उद्देश्य क्या आता है विद्यार्थियों की सूझबूझ समझने की क्षमता विद्यार्थियों की समझने की क्षमता का विकास ये आपको ध्यान रखना है अब इसके चरण क्या क्या हैं? अब इसके चरण भी देखते हैं पहला उद्देश्य क्या है विद्यार्थियों की समझ विकसित करना सोचने समझने की क्षमता तो तो ठीक है आदर्श को समझने पर बलना कोई आदर्श है तो उसको समझना भाई कोई भी आदर्श है उसको समझने भाई अशोक के कार्य तो अशोक जैसा आप बनना चाहते हैं तो आप समझिए उसने क्या अच्छा किया बुरा किया ये अब संरचना क्या है अब संरचना में इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है संरचना में बेसिकली इसमें पांच पॉइंट हैं अन्वेषण प्रस्तुतिकरण पहला है अन्वेषण प्रस्तुतिकरण यहां पर शिक्षक प्रभावी रहता है इन दो चरणों में भाई खोज करना नए तथ्य संकलित करना ये काम किसका है शिक्षक का प्रस्तुत भी क्लास में कौन करता है शिक्षक ये दो चरणों में तो शिक्षक का महत्व ज्यादा रहता है इसका महत्व रहता है शिक्षक का लेकिन जैसे हम अनुकूल पर आते हैं अनुकूलन पर आते हैं तीसरे चरण पर आते हैं तो अनुकूल में फिर छात्र का महत्व बढ़ने लग जाता है तो उसके दो चरण हो रहे हैं जो अभी हम मैं अभी बता रहा हूं आपको तो ध्यान रखना है अगले दो चरण हो रहे हैं व्यवस्था और एक और है बेसिकली वर्णन अब यह ध्यान रखना कि जो ये तीन चरण है अनुकूल अनुकूल का मतलब है प्रैक्टिकल क्या ज्ञान प्राप्त करता है उसको प्रैक्टिकल ज्ञान क्या प्राप्त होता है तो उसमें छात्र का महत्व हो गया व्यवस्था का मतलब है कि लिखित रूप में प्रस्तुत करना छात्र द्वारा लिखित रूप में नोट बनाना लिखित नोट वर्णन का मतलब है सारांश ठीक है ना भाई अपने साथियों के सामने जो सारांश प्रस्तुत करता है मौखिक रूप से कि आज मैंने क्लास में ये पढ़ा तो वो ये लास्ट के तीन चरण यहां विद्यार्थी का महत्व रहता है किसका महत्व रहता है विद्यार्थी का तो देखा जाए इस प्रणाली में शिक्षक के साथ साथ विद्यार्थी की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है तो ये आपको ध्यान रखना है अगला ये जो चरण है इसका है सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन तो सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन अगले चरण है तो वो भी आप ध्यान में रखना है एक सामाजिक प्रणाली सामाजिक प्रणाली में क्या है इसमें छात्र पर शिक्षक का जो बेहतर नियंत्रण होता है दोनों सक्रिय रहते हैं और दोनों महत्व रहता है इसमें शिक्षक प्लस छात्र शिक्षक प्लस छात्र दोनों का महत्व है इसमें सामाजिक प्रणाली में हम यही देखते हैं किसका महत्व है मूल्यांकन की बात करें तो इसमें सभी प्रकार का उपयोगी है ये मूल्यांकन में वस्तु परक हो चाहे हो दोनों में उपयोगी है मूल्यांकन में देखें कि वस्तु परख के लिए भी उपयोगी है टेस्ट पेपर के लिए विषय परक मूल्यांकन भी हो सकता है इसमें दोनों प्रकार का मूल्यांकन हो सकता है क्योंकि समझने का है तो इसलिए वस्तु परक विषय परक दोनों प्रकार का मूल्यांकन आप कर सकते हैं तो ये जो शिक्षण मॉडल है समझ स्तर का तो यह मैंने बताया आपको कि उद्देश्य क्या है आदर्श को समझने पर बल फिर संरचना क्या है अन्वेषण प्रस्तुतिकरण अनुकूलन व्यवस्था वर्णन इसके जो पहले संरचना के दो स्टेप हैं वहां पर तो शिक्षक प्रभावी है लेकिन बाकी के तीन स्टेप में विद्यार्थी का प्रभाव देखने को मिलता है यानी कि सामाजिक प्रणाली में हम कह सकते हैं कि इसमें शिक्षक और छात्र दोनों प्रभावी रहते हैं साथियों मूल्यांकन भी इसमें वस्तु परक के साथ विषय परक हो सकता है तो इसलिए छोटी छोटी बातें हैं तो आपको ध्यान में रखनी है आगे जो है वो है चिंतन वाला स्तर विचारात्मक शिक्षण स्तर यानी कि हंट का मॉडल तो अब आगे देखते हैं चिंतन स्तर या हंट मॉडल ये हंट मॉडल भी बहुत इंपॉर्टेंट है पूर्णावस्था में और उत्तर किशोरावस्था में इस प्रकार का ज्ञान दिया जाता है तो उत्तर किशोरावस्था में और प्रणावस्था में इसी प्रकार का ज्ञान ज्यादा महत्वपूर्ण होता है तो ये भी आप ध्यान रखना तो पूर्णावस्था में इसमें चिंतन स्तर में छात्र को सोचने के लिए ज्यादा मजबूर किया जाता है कल्पना में चिंतन तर्क कल्पना शक्ति को बढ़ाया जाता है भाई वो सोचे खुद सोचने की विचारने की क्षमता विकसित करे तो इसमें यह ध्यान दिया जाता है तो इसकी क्या विशेषता है पहला तो है विशेषताओं में देखें कि कल्पना उसकी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश की जाती है कल्पना तर्क शक्ति को बढ़ाना उसकी शक्ति को बढ़ाने के प्रयास किया जाता है दूसरा देखा जाए स्मृति और बोध दोनों पर ध्यान दिया जाता है भाई मेमोरी भी स्तर तेज होगी और समझने की क्षमता भी स्मृति प्लस बोध यानी कि समझने वाला भी दोनों प्रकार के ज्ञान में वृद्धि फिर मौलिक चिंतन भी छात्र पर्टिकुलर अपने बारे में क्या सोचता है आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी मौलिक चिंतन और आलोचनात्मक दृष्टिकोण उसका मौलिक चिंतन भी देखा जाता है कि उसने टीचर से हटकर क्या सोचा फिर आलोचनात्मक दृष्टिकोण वो कमियां क्या पाता है ये भी उसका विकास किया जाता है कि भाई आलोचना किसकी कितनी करनी चाहिए गुण दोष क्या बताने चाहिए ये भी पूरा है अब आगे देखते हैं मेरे दोस्तों अब चिंतन स्तर जो है विचारात्मक स्तर हंट का है इसमें आगे देखते हैं कि बेसिकली इसके चरण क्या है अब चरण में देखते हैं साथियों इसके हंट के हंट शिक्षण मॉडल के चरण देखो साथियों अब ये तो मैंने बता दिया कि इसमें चिंतन पर ज्यादा बल जाता है इसमें छात्र अपना शिक्षक से हटकर भी कुछ सोच सकता है आलोचनात्मक दृष्टि का विकास होता है तो इसका उद्देश्य यही है मौलिक चिंतन और आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास मौलिक चिंतन मौलिक व स्वतंत्र चिंतन वही खुद सोचे वो टीचर से स्वतंत्र होके और आलोचनात्मक दृष्टि का विकास भी करे छात्र के अंदर ये दो लक्षण पैदा हो जाएं इसका उद्देश्य यही है फिर क्या है संरचना क्या है संरचना में देखा जाए तो संरचना भी इसकी ध्यान में रखते हैं मेरे साथियों अब देखा जाए इसमें छात्रों की समस्याओं को प्रकृति को समझने का प्रयास किया जाता है दो प्रकार की समस्याएं है रहती हैं छात्रों के सामने व्यक्तिगत और सामाजिक हम इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याएं ये जो भी हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे आगे देखते हैं साथियों सामाजिक प्रणाली अब ये समस्याएं जो हैं इनको हल करने के लिए भी दो मॉडलों की चर्चा की गई है वो भी हम चर्चा कर सकते हैं कि वास्तव में व्यक्तिगत समस्या समाधान के लिए दो मॉडल हैं तो ये जो दो मॉडल हैं व्यक्तिगत समस्या समाधान के लिए इसको कहते हैं डीबी मॉडल क्या कहते हैं डीबी मॉडल तो ये मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताना चाहूंगा कि व्यक्तिगत समस्या को लेकर जो दो मॉडल हैं वो कौन कौन से हैं देखिए साथियों यहां पर भी देख सकते हैं पहला है डीबी मॉडल डीबी मॉडल इस मॉडल के अनुसार समस्याएं दो प्रकार की हो सकती हैं पथ रहित और दो नोक वाली एक तो पथ रहित है एक दो नोक वाली है पत्र रहित में तो ये पता नहीं तैयारी किसकी करनी है भाई हम करें क्या हमने हमें बी कर लिया अब हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें एक नेट की तैयारी करें एक सेट की तैयारी करें कि हम रीट की तैयारी कर लें ये तो पत्र रहित हो गया दो नोक वाली है कि भाई हमने दो ऑप्शन दे रखे हैं भाई रीट की तैयारी करें या सेट की अब इसमें बच्चे बड़े कन्फ्यूज हैं सेट नेट की तैयारी करें कि रीट की ये दो नोक वाली परिस्थिति है तो ऐसी वास्तव में पत्र रहित में तो पता ही नहीं क्या तैयार करना है आराम से घूम रहा है तो डीबी मॉडल कहता है कि बेसिकली ये दो प्रकार की समस्या है दूसरा मॉडल और देखते हैं कि एक मॉडल और इसमें है जो कट का मॉडल जिसे कहते हैं तो कट लेविन का मॉडल क्या कहता है मैं उसको भी थोड़ा सा बताना चाहूंगा कट लेविन का मॉडल क्या कहता है अब ये ध्यान रखना कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि हंट शिक्षण मॉडल में व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए कितने मॉडल हैं तो दो या डीबी मॉडल का संबंध किससे है तो हंट शिक्षण मॉडल से है डीबी मॉडल कि कैसे समस्याएं बताता है एक एक है दोनों को वाली पथरहित का मतलब तो पता ही नहीं उद्देश्य क्या है दोनों को वाली का मतलब दो लक्ष्य है उसमें से एक चुनना है लेविन क्या बताता है ये तनाव के तीन पथ बताता है कहते हैं जो समस्या होती है ना तीन प्रकार की होती है पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दोनों भाई कई बार समस्या ये भी हम पॉजिटिव बहुत ज्यादा होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं हम तो इतने ज्ञानी हो गए कि सेट तो हमारा रुक ही नहीं सकता नेट रुक ही नहीं सकता ये भी है वो अदगर गगरी छलकत जाए मतलब हल कहते ना मुंह से मिली हल्दी गांठ पंसारी बन बैठा वही छोटा सा ज्ञान हुआ कि अब तो हमारा कुछ कर ही नहीं सकता नकारात्मक का मतलब है नेगेटिव का कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है कुछ जानते भी हैं सोचते भी नहीं बस सोचते रहेंगे हमारा तो ये हो ही नहीं सकता हम इतने तो योग्य ही नहीं है अपनी योग्यता पे ये नेगेटिव है कई बार दोनों चीजें आ जाती हैं तो कहते हैं कि ये समस्याएं व्यक्तिगत ज्यादा रहती है तो मैं इनका हल करना चाहिए तो साथियों मैंने इसका पहला चरण बताया आपको उद्देश्य दूसरा बताया संरचना संरचना में ये चर्चा करते हैं व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं में व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए मेनली दो मॉडल की चर्चा करते हैं डी मॉडल और कट लेविन मॉडल जो डीबी मॉडल कहता है कि समस्याएं दो प्रकार की हैं पत रहित और दोनों नोक वाली पत्र रहित का मतलब जब उद्देश्य का ही पता नहीं दो नोक वाली में दो उद्देश्य रहते हैं कट लेविन कहते हैं नहीं तीन प्रकार की समस्याएं कुछ तो ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं कुछ ज्यादा नेगेटिव जाते हैं कई बार पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार की समस्या चलती रहती है ये कट लेविन कहते हैं वो आपके साथ अपने व्यवहारिक जीवन में देख लो कई स्टूडेंट रहेंगे कि वास्तव में एम बीएड के बाद पता नहीं चलेगा कई दो तैयारी को लेके बैठे हैं कई ऐसे कटलेविन वाला बहुत ज्यादा पॉजिटिव है कि भाई थोड़ा सा ज्ञान आ गया अब तो मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है दूसरा नेगेटिव वाले क्या हमारा सिलेक्शन ही नहीं हो सकता और कई बार दोनों ही सामने आती है तो ये कट बोलता है आगे साथियों जो तीसरा जो इसका चरण है वो है सामाजिक प्रणाली सामाजिक प्रणाली में क्या है कि इसमें कक्षा का वातावरण बड़ा स्वतंत्र रहता है छात्र भी क्रियाशील व स्वयप्रेरित रहता है सहयोगिक सामाजिक वातावरण रहता है इसमें तो सामाजिक प्रणाली में देखा जाए तो एक तो टीचर स्टूडेंट के बीच में रिलेशन बहुत अधिक रहता है भाई चलती तो छात्र ज्यादा स्वतंत्र रहे तो छात्र का प्रभाव अधिक रहता है तो छात्र का सबसे अधिक प्रभाव यही अधिक रहेगा चिंतन स्तर में क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से सोच सकता है और कक्षा का वातावरण क्या रहेगा स्वतंत्र तो आपसे पूछेगा कि भाई किसमें छात्र का प्रभाव अधिक रहता है तो इसमें सबसे अधिक रहता है तो कक्षा का वातावरण क्या रहेगा सकारात्मक छात्र सबसे अधिक क्रियाशील भी किसमें रहेगा इसमें सहयोग का वातावरण रहेगा मूल्यांकन क्या है किसी प्रकार का मूल्यांकन करो सृजनात्मक मूल्यांकन करो या निबंधात्मक करो तो सभी के लिए उपयुक्त है समस्या समाधान के लिए मूल्यांकन में आप कोई भी प्रणाली अपना सकते हैं निबंधात्मक भी अपना सकते हैं और यानी कि विषय परक भी अपना सकते हैं समस्या समाधान भी अपना सकते हैं तो आप कोई भी विधि के से आप मूल्यांकन कर सकते हैं इसमें आपके सामने काफी है वस्तुपुरक तो भी काम आ जाएगी तो बहुत सारी प्रणालियां आप मूल्यांकन के लिए इसमें चूज कर सकते हैं इसलिए काफी हद तक बेटर है लेकिन साथियों की जो चिंतन स्तर है ये एज के बाद ही प्रौढ़वस्था में उत्तर किशोरावस्था में अधिक प्रभावी होता है कि छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है ये बात आपको समझ आनी चाहिए अब शिक्षण के पक्ष या चर क्या है अब हम उस पर चर्चा करेंगे साथियों आइए तो आगे देखते हैं शिक्षण के पक्ष या चर इसमें पहला है निबंधात्मक पक्ष तो इसमें देखते हैं निबंधात्मक पक्ष फिर जो है हम देखते हैं उपचारात्मक पक्ष फिर मूल्यांकनात्मक पक्ष देखा जाए तो तीन पक्ष तो आपको साफ साफ दिखाई देते हैं तो निबंधात्मक पक्ष में क्या हो जाएगा छात्रों का पूर्व ज्ञान क्या है व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या हैं विषयों की जानकारी क्या है शिक्षण की समस्या क्या है ये सारी बातें निबंधात्मक पक्ष से संबंधित है भाई विषय क्या है छात्रों का स्तर क्या है उनके भिन्नताएं कितनी हैं ये निबंधात्मक उपचारक का, का मतलब है व्यवहार में परिवर्तन लाना भाई आपके व्यवहार में परिवर्तन करके आपको सकारात्मक बनाना जो आपके जीवन में समस्याएं हैं उनका निदान करना भाई आपके व्यक्तिगत जो है विकास में व्यक्तित्व के विकास में परिवर्तन लाना तो व्यवहार में परिवर्तन मूल्यांकन का मतलब है कि वास्तव में आपके मूल्यांकन करना कि ताकि आप उस लेवल तक डिग्री के काबिल है कि नहीं तो ये शिक्षण के पक्ष भी आपको पता रहने चाहिए तो साथियों इसके बाद जो है हम अगली वीडियो में जो है वो तो चर्चा नेक्स्ट टॉपिक करेंगे लेकिन अभी हम इस पर एक बार पीपीटी के माध्यम से भी देखेंगे कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तो शिक्षण की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होगी तो मैंने शिक्षण की प्रक्रिया के आपको सात जो स्टेप बताए थे उसमें सातवां स्टेप पुनरावर्ती बताया था तो मैं एक बार फिर पुनरावृत्ति करता हूँ तो आइए साथियों अब हम पीपीटी के माध्यम से देखते हैं साथियों शिक्षण अभिक्षमता में पहले हम शिक्षण पर चर्चा करते हैं तो शिक्षण पर विचार करने वाले विभिन्न विद्वानों के पहले जो कथन हैं उनके दिए गए विचार हैं उनका अध्ययन करते हैं पहला है जॉन डीवी ये कहते हैं जिस प्रकार से शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है वैसे ही शिक्षा के लिए सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का महत्व है तो ये पहला ध्यान रखना है फिर लोग मोदे क्या कहते हैं लोग कहते हैं जैसे पौधे के विकास कृषि द्वारा होता है वैसे मनुष्य का विकास शिक्षा द्वारा होता है इन्होंने बेसिकली खाली स्लेट भी कहा था तो यह भी ध्यान रखना सम ऑफ ऑन एजुकेशन इन्होंने किताब भी लिखी थी तो बेसिकली खाली स्लेट कहा था बच्चे को इन्होंने गौरवपूर्ण क्रांति से भी काफी ग्लोरियस रेवोल्यूशन सोलह सौ सो की जो इंग्लैंड की थी उससे प्रभावित थे इंग्लैंड के थे मुलत ये भी आप ध्यान रख सकते हैं फिर प्लेटो जो यूनानी विचारक थे वो कहते हैं शिक्षा मानसिक रोग का मानसिक उपचार है तो इन्होंने अपनी रिपब्लिक जो पुस्तक थी उसमें न्याय की स्थापना के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण माना था क्योंकि शिक्षा से सदगुण आते हैं इसलिए कहते हैं शिक्षा मानसिक रोग का मानसिक उपचार है आज प्लेटो का एक कथन कहीं ना कहीं यूनेस्को की प्रस्तावना का आधार भी है और प्लेटो की इस पुस्तक की प्रशंसा रूसो ने इस्माइल इमाइल नामक पुस्तक में भी की थी इमाइल जो पुस्तक रूसो ने लिखी थी उसमें उसने प्रशंसा करते हुए कहा था कि रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया श्रेष्ठ ग्रंथ है

व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाने के रूप में गेज महोदय ने परिभाषित किया फिर बीओ स्मिथ महोदय जो हैं अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया अधिगम का मतलब होता है सीखने की प्रक्रिया तो बेसिकली जो सीखने की प्रक्रिया को अभिप्रेरित करे वही शिक्षण है प्रोबेल महोदय खेल विधि को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं किल पेट्रिक जो है सीखने में करके सीखने में यानी कि प्रोजेक्ट मेथड पर बल देते हैं तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना है कि मोदे ने खेल विधि को महत्वपूर्ण माना था किल मोदे ने प्रोजेक्ट मेथड को या करके सीखने को ज्यादा महत्वपूर्ण माना था आगे देखते हैं मेरे दोस्तों कि शिक्षण अभिक्षमता जो शब्द है इसमें दो चीजें हैं शिक्षण का मतलब तो मैंने बताया पढ़ाना अधिगम से है अध्यापन सिखाना सीख देना इससे है यानी कि शिक्षक वाली भूमिका से है और जबकि एप्टीट्यूड का मतलब है दक्षता से कौशल से है तो प्रशिक्षण से आती है जिसके अंदर व्यक्ति के अंदर गुण जाते हैं भाई आपको किसी ने पढ़ाया वो शिक्षण हो गया उससे आपके अंदर दक्षता आई आपने बीएड किया और आप पढ़ाना सीख गए और आप पढ़ाने में भी आपके अंदर कौशल आती जा रही है तो वो ट्रेनिंग जो है उसके फलस्वरूप जो गुण आए वो अभी क्षमता है टीचर भी बहुत प्रकार के रहते हैं कईयों को पढ़ाना जो है सिखाने की कोशिश करते हैं तरीके में लेकिन बहुत टाइम लग जाता है कुछ दो मिनट में सिखा देते हैं ये उनका एप्टीट्यूड है और वो सकारात्मक रहते हैं तो बच्चे के प्रति भी सकारात्मक जुड़ाव रखते हैं तो आपको भी जो सकारात्मक गुण है वो दक्षता के साथ ही आते हैं जैसे जैसे आप टीचिंग का अनुभव करेंगे तो वैसे वैसे आपके अंदर भी ये सारे गुण आते जाएंगे हंस के पढ़ाना है रोकर पढ़ाना है कैसे पढ़ाना है तो हंसमुख रहना चाहिए शिक्षक को सत्य निष्ठा के साथ रहना चाहिए तो ये बातें आगे देखते हैं साथियों प्रक्रिया क्या है शिक्षण की प्रक्रिया तो बुन्नर महोदय ने द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन में शिक्षण की कोई एक चरणबद्ध प्रक्रिया बताते हुए कहा इसके चार सात चरण बताए एक तो योजना बनाना विद्यार्थियों के विशेष स्तर की जानकारी प्राप्त करना अध्यापन सामग्री को संकलित करना अध्यापन सामग्री को कक्षा में प्रस्तुत करना फिर विश्लेषण करना उसको यानी कि एक एक चीज को बताना उसको तोड़कर क्या डिवाइडेशन है फिर उनको जोड़ना भाई जो शिक्षण सामग्री प्रस्तुत किए पहले तोड़कर बताना फिर जोड़कर बताना फिर मूल्यांकन करना कि बच्चों को समझ आया कि नहीं फिर उसकी पुनरावृत्ति करना जैसे मैं आप पीपीटी के माध्यम से पुनरावृत्ति कर रहा हूँ तो ये चीजें आगे देखते हैं मेरे साथियों कि शिक्षण की प्रकृति सकारात्मक है, है जो विद्यार्थियों को संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक मतलब तथ्यात्मक भावनात्मक का मतलब है बोध स्तर वाला क्रियात्मक यानी कि प्रायोगिक वाला प्रेरित करती है शिक्षण उपचारात्मक भी है विकासात्मक भी है भाषाई प्रक्रिया है और तार्किकता पर आधारित है तो इसके तीन चरण हैं शिक्षक छात्र और पाठ्यक्रम तो ये ध्यान में रखना है कि शिक्षण प्रक्रिया के तीन आधारभूत तत्व क्या हैं शिक्षक छात्र और पाठ्यक्रम तो ये तीनों चीजें रहेंगी देखो मैं शिक्षक हूं यहाँ आप छात्र हैं पाठ्यक्रम यूजीसी नेट का प्रथम प्रश्न पत्र है तो आपको इस बात से क्लियर हो गया त्रिमुखी प्रक्रिया तो ये छोटी छोटी बातें आप आसानी से समझ सकते हैं आगे चलें मेरे साथियों कि शिक्षण के उद्देश्य उद्देश्य क्या है? कुछ हैं कुछ सार्वभौमिक रहते पूरे समाज या मानवता को जोड़ना सदगुणों का संचार करना कुछ विशिष्ट उद्देश्य रहते हैं जैसे पर्टिकुलर आपको ज्ञान देना पड़ता है रसायन तो रसायन विज्ञान का ज्ञान देना है आपको डॉक्टर है तो मेडिकल है तो डॉक्टर बनाना है इंजीनियर है तो इंजीनियर बनाना है व्यक्तिक उद्देश्य भी रहते हैं कि व्यक्ति का वास्तव उत्थान करना तो सामाजिक उद्देश्य भी रहते हैं समाज में एकता लाना शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों का सभी प्रकार का ज्ञान में वृद्धि करना है तो ये विकास करना है संज्ञानात्मक भी भावनात्मक भी और क्रियात्मक भी मेन उद्देश्य ये है तो आपको उद्देश्य भी समझ आगे होंगे आगे देखें साथियों अब ब्लूम मोदे इसके त्रीन एच के रूप में इसके उद्देश्यों को परिभाषित करते हैं जिन्हें कहते हैं तीन एच हेड हार्ट और हैंड हेड का मतलब है संज्ञानात्मक यानी कि कोग्नेटिव ज्ञान प्राप्त करना ज्ञान बोध अनुप्रयोग विश्लेषण संश्लेषण मूल्यांकन जीन प्याजे संज्ञानात्मक ज्ञान को ही महत्वपूर्ण मानते हैं ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अब आपसे पूछेगा कि जीन प्याजे ज्यादा ज्ञान किस पर देते हैं आगे मैं और बताऊंगा कि संज्ञानात्मक ज्ञान पर बल देते हैं हर्ट में क्या किया जाता है भावनात्मक ज्ञान में इसमें आकलन करने की क्षमता तुलना करने की क्षमता और कहीं ना कहीं समझने की क्षमता का विकास जो है आपके अंदर आ जाता है तो आप अच्छाई और बुराई में अपने और पराये में अंतर करना सीख जाते हैं और तीसरा है हैंड इसमें क्रियात्मक है आपकी जो दक्षता है हस्तकोशल है स्पष्ट व्यक्ति है और परिशुद्धता और सरलता आपके स्वभाव में दिखाई देती है ये हैंड वाला है ये जब हम विद्यार्थी रहते हैं तो इस ज्ञान का अर्जन करते हैं जैसे जस से हम विद्यार्थी से शिक्षक की ओर जाते हैं तो ये ज्ञान आने लग जाता है और लास्ट में जब हम पुराने हो जाते हैं तो ये वाला ज्ञान भी आ जाता है तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं ब्लूम मोदय तीन प्रकार के उद्देश्य रहते हैं। तो, तीनों प्रकार से चलता है। तो आगे देखते हैं साथियों गेगने और ब्रिक्स का वर्गीकरण देखते हैं तो ये उद्देश्य क्या बताते हैं ज्ञानात्मक रणनीतियां यानी कि स्मरण कराने की तकनीक बताना आपको कोडिंग वगैरह बताना आपको बौद्धिक कौशल का समस्या समाधान आपका विकास करना मनोदृष्टि का विकास करना आपके अंदर एक दृष्टिकोण विकसित करना सकारात्मक आपको मौखिक सूचनाएं देना आपकी शारीरिक क्षमता और संचालन तंत्र में मजबूत करना आपके मस्तिष्क व शरीर में सामंजस्य स्थापित करना ये अब शिक्षण के स्तर क्या है तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे शिक्षण के तीन स्तरों में विभाजित किया गया है स्मृति स्तर और बोध स्तर और चिंतन स्तर स्मृति स्तर का ज्ञान ये बाल्यवस्था में ज्यादा दिया जाता है ये मैंने बताया और इस प्रकार के ज्ञान पर हरबड़ शिक्षण मॉडल बल देता है और ये किशोरावस्था में दिया जाता है बोध स्तर वाला तो ये मोरिसन शिक्षण मॉडल के नाम से जाना जाता है ये हंट महोदय है हंट शिक्षण मॉडल है तो हंट शिक्षण मॉडल जो है ये उत्तर किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में दिया जाता है तो इसके अंदर आपके चिंतन शैली का विकास किया जाता है पीएचडी एच एम फिल में ज्यादातर आपके इसी चीज को ज्यादा ध्यान दिया जाता है तो ये भी आप ध्यान रखना शोध में इसी प्रकार का ज्ञान ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है चिंतन स्तर का और आप कह सकते हैं स्नातक और परास्नातक स्तर पर यह और प्लस टू तक जो है स्मृति स्तर पर ही ध्यान दिया जाता है तो अब ये आपको समझ आ गया लेकिन हमें तीनों मॉडलों के बारे में भी जानकारी गहन रूप से अर्जित करनी है तो सबसे पहले स्मृति स्तर जो शिक्षण का, का स्तर है वो उस पर हम चर्चा करेंगे उसको समझने की कोशिश करेंगे इसे हर्बर्ट शिक्षण मॉडल भी कहते, है। इसका कहते हैं इसका मेन उद्देश्य है तथ्यों को याद कराना है ऐतिहासिक घटनाएं तथ्य कविता पाठ याद कराना ये उपयोगी नहीं है तर्क में बेसिकली ठीक है ना प्रश्नोत्तर विधि में उपयोगी नहीं है ये ध्यान रखना है इसके चार चरण हैं उद्देश्य तथ्यों का ज्ञान संरचना क्या है योजना प्रसुतिकरण तुलना सामान्यकरण समस्याओं का समाधान ऐतिहासिक ज्ञान प्राप्त करना अब इसमें क्या है कि शिक्षक ज्यादा प्रभावी रहता है तो इसमें शिक्षक का विशेष महत्व है छात्र का गुण इसलिए शिक्षक सामाजिक विकास का कार्य करता है तो सामाजिक प्रणाली में आपसे पूछेगा हरबड़ शिक्षण मॉडल या स्मृति स्तर में शिक्षक का प्रभाव रहता है छात्र का रहता है दोनों का रहता है तो शिक्षक का प्रभाव रहता है मूल्यांकन प्रणाली वस्तु ज्यादा उपयोगी है इसमें इसमें विषय उपयोगी नहीं है क्योंकि इसमें तथे तथे है क्योंकि तथ्य तथ्य तो आप अपना तो कुछ लिख ही नहीं पाएंगे तो वस्तु वस्तुपुरक उपयोगी है तो ये बातें भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए चार चरण है और याद करने में जो है काफी तथ्यों की जानकारी के लिए उपयोगी है अब दूसरा मॉडल हम देखते हैं साथियों दूसरा मॉडल है बोध या समझ स्तर का जिसे कहते हैं मोरिसन शिक्षण मॉडल ये विद्यार्थियों की सूझबूझ व समझने की क्षमता का विकास करने पर बल देता है तो बेसिकली इसके चरण भी आपको ध्यान रखने इसके भी चार चरण है पहला उद्देश्य क्या है कोई भी आदर्श है उसको समझने की इसमें कोशिश की जाती है जो आपका लक्ष्य है संरचना क्या है इसका पांच स्टेप है संरचना में अन्वेषण प्रस्तुतिकरण अनुकूलन करना व्यवस्था और वर्णन अन्वेषण और प्रस्तुतिकरण में तो शिक्षक का प्रभाव रहता है अनुकूल में जो छात्र को व्यक्तिगत कार्य दिए जाते हैं जैसे गृह कार्य प्रयोगशाला तो उसमें अनुकूलन होता है उसमें परिपक्वता आती है फिर व्यवस्था इसमें छात्र पाठ्य पुस्तक की प्रमुख इकाइयों को लिखित रूप में बिना किसी सहायता के पुनः प्रस्तुत कर सकता है या नहीं जांच की जाती है तो अब वो दोबारा जब खुद प्रस्तुत करने की कोशिश करता है टीचर के आधार पर तो उससे भी कहीं ना कहीं छात्र की प्रभावशीलता बढ़ती है वर्णन का मतलब है मौखिक रूप से दूसरे को सुनाना तो वास्तव में सी डी में छात्र जो है शिक्षक दोनों प्रभावी हैं तो इस प्रकार से देखते हैं कि इसमें सीडी में छात्र प्रभावी ज्यादा रहता है तो इस प्रणाली में छात्र शिक्षक दोनों का प्रभाव है छात्र शिक्षक दोनों का प्रभाव देखने को मिलता है तो आपसे कोई पूछेगा कि वास्तव में जो ये बोध स्तर की प्रणाली है तो मॉरिसन मॉडल में कौन ज्यादा प्रभावी है छात्र शिक्षक दोनों प्रभावी हैं अब इसका देखते हैं तीसरा चरण जो है वो स्तर है सामाजिक सामाजिक इसका मॉडल का प्रणाली इसमें शिक्षक का व्यवहार सुविधा रहती है तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए अब तीसरा स्तर जो है इसका चौथा स्टेप इस है मूल्यांकन प्रणाली मूल्यांकन इसका लिखित मौखिक निबंधात्मक वस्तुनिष्ठ किसी प्रकार का किया जा सकता है तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए इसमें लक्ष्य आदर्श प्रत्येक पर विशेष बल दिया जाता है। तो ये भी आप पता रहना चाहिए इसमें लक्ष्य आदर्श प्रत्येक स्पष्टीकरण पर क्या दिया जाता है विशेष बल अब तीसरा स्तर देखते हैं चिंतन या विचारात्मक शिक्षण स्तर या जिसे हंट शिक्षण मॉडल कहते हैं इसकी क्या विशेषता है इस स्तर में शिक्षक छात्रों में चिंतन तर्क कल्पना शक्ति को बढ़ावा देता है ताकि समस्याओं का समाधान तो समस्याओं के समाधान पर आधारित है शिक्षण मॉडल और इसमें छात्र की ज्यादा प्रभावशीलता रहती है इसमें स्मृति और बोध दोनों का प्रयोग होता है इसमें छात्र मौलिक चिंतन पर बल देता है और आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी छात्र अपनाता है तो देखा जाए तो सारे लक्षण आपको ध्यान में रहने चाहिए साथियों क्वेश्चन कहां से आएगा इसकी गारंटी नहीं होती इसमें बहुत ही गहनता के साथ प्रैक्टिस भी करनी है पहले आप इसको वीडियो को बार बार देख के समझना है फिर मैं जब आपको इसका पूरा टेस्ट सीरीज वगैरह कराऊं तो वो तब आपको क्या करना है इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल भी करना है तो ये आगे देखते हैं साथियों आगे चलते हैं इसके चरण क्या है उद्देश्य छात्रों में मौलिक व स्वतंत्र चिंतन का विकास करना आलोचनात्मक दृष्टि का विकास करना लेकिन साथियों मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर कर दें और सभी लोगों से कहें इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें नेट सेट के प्रथम पत्र के लिए आपके लिए एक अद्भुत चैनल के रूप में एडी शर्मा एजुकेशन आपके सामने प्रस्तुत है तो साथियों निवेदन है तुम्हारा आप वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो संरचना में ध्यान रखना है इसमें छात्रों की समस्या प्रकृति को समझने का प्रयास किया जाता है समस्याएं दो प्रकार की होती हैं व्यक्तिगत व्यक्तिगत व सामाजिक अब समस्याओं के समाधान के लिए दो मॉडल हैं डीबी डीबी मॉडल मॉडल कहता है एक तो पत्र रहित रहती है पत्र रहित का मतलब लक्ष्य ही पता नहीं है कि किसकी कोचिंग करें किसकी तैयारी करें दो नोक वाली परिस्थितियां रीट की तैयारी करें या कोले नेट सेट की तैयारी करें तो ये दो प्रकार की डीबी मॉडल समस्याएं बताता है फिर उसके बाद दूसरा मॉडल आता है कट लेविन मॉडल इसमें बेसिकली वो कहता है कि तनाव तीन पथ बताए एक तो पॉजिटिव बहुत ज्यादा होना भी घातक होता है कहते हैं मेरे सब ज्ञान है मुझे जरूरत ही नहीं किसी की नेगेटिव बहुत होना भी घातक है और दोनों भी है तो दोनों भी घातक है फिर अगला इसका स्तर है संरचना के बाद तीसरा स्तर सामाजिक प्रणाली सामाजिक प्रणाली में देखा जाए इसमें छात्र ज्यादा प्रभावी सबसे अधिक प्रभावी छात्र इसी प्रणाली में रहता है छात्र सबसे अधिक प्रभावी क्योंकि तो मौलिक चिंतन रहता है और सबसे अधिक कक्षा का जो खुला वातावरण भी इसी में रहता है मूल्यांकन प्रणाली आप निबंधात्मक भी कर सकते हैं सृजनात्मक भी समस्या समाधान भी कर सकते हैं तो ये तीनों मैंने जो मॉडल बताए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से नेट सेट दोनों की दृष्टि से तो आपको ये सारी बातें पता भी रहनी चाहिए आगे साथ ही चलते हैं हम कि शिक्षण के पक्ष चर क्या है शिक्षण के पक्ष है निबंधात्मक पक्ष भी है उपचारात्मक भी है मूल्यांकनात्मक भी है निबंधात्मक पक्ष में हम देखते हैं शिक्षण की समस्या का विश्लेषण छात्रों के पूर्व ज्ञान व्यक्तिगत भिन्नताएं विषय के अवयों का ज्ञान उपचारात्मक पक्ष में व्यवहार में परिवर्तन लाना मूल्यांकनात्मक पक्ष में मूल्यांकन करना वस्तुनिष्ठ करना या विषय परक करना तो साथियों ये तीनों पक्ष हैं तो साथियों इस वीडियो में मैंने आपको आज इतना ही बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में हम शिक्षण विधियों पर चर्चा करेंगे तो साथियों मेरा फिर आपसे एक बार निवेदन है कि आप नेट सेट के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए एडी शर्मा एन एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दें और इसको अधिक से अधिक शेयर कर दें और आप इसको प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचा दें ताकि जो हमारी मेहनत है उस सबकी रंग ला सके और आप परीक्षा में उच्च अंक के साथ सफलता प्राप्त कर सकें तो साथियों इसी के साथ इस वीडियो में विदाई चाहूंगा जय हिंद जय जै भारत